मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा केस कौन लड़ रहा? कोर्ट को बताइए इंस्पेक्टर नीरू कि उस दिन कौन लड़ रहा था मेरा केस, या फिर वो मिस्टर वीरेन अस्थाना? तब यही मुझे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे जो आज मुझे एक बाजारू कैरेक्टरलेस लड़की बुला रहे। और मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इनकी गवाही नहीं ली जाए। और अगर ये खुद कह रही है कि इन्होंने पहले झूठ बोला था, तो अब क्या गारंटी है कि ये सच बोल रही है? अमला का गैंग रेप हुआ था, इस बात का क्या सबूत है? सबूत है, सबूत है। मंतु, और ऐसा सबूत है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी जज साहब, वो मैं बिना बुलाई आ गई। कोई बात नहीं, आप बोलिए। ये रहा वो सबूत। ये सुवीर मलिक की सगाई की अंगूठी है। और ये मुझे वहीं मिली थी जहां ये हादसा हुआ था। मैं देखते ही समझ गई थी कि ये वही अंगूठी है। तो मैंने ये अंगूठी छुपा ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये मलिक को दे दूंगी और थोड़े पैसे ऐंठ लूंगी। और हुआ भी वही, जैसा इन्होंने मुझसे कहा था कि अपना मुंह बंद रखना। योर ऑनर, मंदाकिनी जी अमला की भाभी है और जाहिर सी बात है कि इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। ओई वो, अगर मैं अमला की भाभी हूँ और उसे बचा रही हूँ, तो आप इन तीनों के लिए क्या कर रहे हैं मामा जी? मंदाकिनी जी, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 201 के तहत सबूत मिटाने या छिपाने के जुर्म में आपको सजा हो सकती है। मुझे पता है कि मुझे सजा मिलेगी, और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ अपने पापों का प्रायश्चित करने। और जैसा मैं खुद आई हूँ, हो सके तो इतनी सी सजा कम कर देना। योर ऑनर, इस अंगूठी से कुछ साबित नहीं हो सकता। मेडिकल ऑफिसर जो इनकी प्राइम विटनेस थी, वो अपने बयान पर टिक नहीं पा रही। इसके अलावा ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अमला का गैंगरेप हुआ था। सबूत है जज साहब, है जज साहब, है जज साहब। योर ऑनर, ये है माही ठाकुर, इस केस की सबसे अहम गवाह। और आप इसकी हालत देख सकते हैं। मलिक्स ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ कोर्ट तक ना पहुंच सके। मैं सेक्शंस तो नहीं जानती योर ऑनर, पर परिस्थिति में जितने भी केसेस लग सकते हैं, आप सब उन पे लगाइए। माही को अगवा करने का, उसके साथ बदसलूकी करने का, यहाँ तक कि उसे जान से मार देने का केस भी।
और जज साहब ये है वो सबूत, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। जैसे मैंने इवान और विराज ने हमला को शेयर किया था ना, वैसे वो तुम्हें शेयर करना चाहता है मुझसे। वही डेस्परेट हो रहा था हमला को, मैं तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता था माई, और ना विराज होना चाहता था। इवान ने हम सबको उकसाया वहां पे, he did everything. इवान ने पहले हमला करेक्ट किया, फिर मैंने और विराज ने। अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों इस एविडेंस को दबाने के लिए इतने हाथ पैर मारे जा रहे थे। I'm sorry, अमला। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. सर, जिन तीन लोगों ने अमला का रेप किया था उनमें से एक मैं था। और इवान मलिक और सुवीर मलिक था। हमने उस रात बहुत शराब पी ली थी, हमने ड्रग्स भी किए थे, हमें हमला के लिए जाती हुई दिखी, हमने उसे पकड़ा, उसे डराया कि कपड़े फाड़े और उसका रेप किया। सबीर ने कुछ नहीं किया था, वो नशे में था और नशे में होने के बावजूद भी उसने हमें रोकने की कोशिश की, पर हमने उसकी नहीं सुनी। मैंने बाद में सुवीर और इवान को बताया था कि अबीर ने कुछ नहीं किया, पर उन्होंने मुझे कहा कि अबीर को मत बताना, उसे लगने दो कि उसने भी रेप किया ताकि वो इस मुसीबत से बचने के लिए हमारी मदद करे, और उसने वही किया सर। लेकिन बाद में उसे पता चल गया था। अमला, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं नशे में था अमला, मुझे नहीं पता चल रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। सॉरी। तुम नशे में थे, पता नहीं चला कि क्या कर रहे थे। जो तुमने मेरे साथ किया, क्या नशे में तुम कभी वो अपनी माँ या अपनी बहन के साथ करते हो? तब भी तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम क्या कर रहे हो? मेरी गुजारिश है मेरी जैसी हर एक उस लड़की से कि वो अपनी आवाज उठाए और इंसाफ के लिए लड़े। जब सजा मिलेगी ना तो गुनहगार गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा, और जब इंसाफ होगा तो हर एक लड़की के अंदर हिम्मत आएगी कि वो इंसाफ के लिए अपने लिए अपनी आवाज उठाए। इससे पहले कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों में से किसी को कुछ कहना है? हाँ सर, आज यहाँ बहुत कुछ कहा गया और सुना गया है, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। मैं अमला इस देश की लाखों करोड़ों लड़कियों की तरह एक आम सीधी सादी लड़की, जिसके भी शायद वही सारे सपने होंगे जो बाकी सारी लड़कियों के होते हैं, कि जिससे वो प्यार करे, उससे उसकी शादी हो, उसका परिवार हो और वो सुख शांति से रहे। पर मेरा एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। एक रात एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, मेरे सारे सपनों को बेरहमी से रौंद दिया, और मैं कुछ नहीं कर सकी, मेरा सब कुछ उजड़ गया। लेकिन दुनिया ने मुझे ही दोष दिया, बलात्कार, रेप, शायद यही एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए
दोषी को नहीं बल्कि जिसके साथ ये जुर्म होता है उसे कसूरवार ठहराया जाता है। क्या कसूर था मेरा? ये कि मैं रात को अकेली उससे मिलने गई जिससे मैं प्यार करती थी, या फिर मेरा लड़की होना ही मेरा कसूर है? तुम लड़की हो, घर से बाहर अकेली नहीं जा सकती। लड़की हो, अकेले कैसे जा रही हो? क्यों जा रही हो? लड़की हो, अपने दायरे में रहो। लड़की होकर अगर समाज के उसूल तोड़ोगी तो ऐसा ही होगा। किसने बनाया है ये उसूल? और ये उसूल सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों है? लड़कों पर कोई पाबंदी क्यों नहीं है? उनके लिए कोई उसूल क्यों नहीं है? अगर कोई लड़की कहीं जाती है या उन्हें दिख जाती है तो वो अपना हक समझ लेते हैं उसे इस्तेमाल कर। लड़कियों को रोका जाता है पर लड़कों को ये क्यों नहीं समझाया जाता कि लड़कियों को इस्तेमाल करना, उनके साथ ऐश करना वो कोई चीज नहीं है? रेप के बाद जब एक लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार की, परिवार की, अपनों की, तो वही अपने उससे मुंह फेर लेते हैं अपनी घटिया सोच के चलते। उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, घुट घुट के जिल्लत सहने के लिए छोड़ देते हैं। रेप सिर्फ शरीर का नहीं होता, रेप सिर्फ शरीर को गंदा या खराब नहीं करता बल्कि एक लड़की की आत्मा को छलनी करता है, उसके मान सम्मान को छलनी करता है, उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। पूरी दुनिया उसे विश्वास दिला देती है कि उसकी जिंदगी का, उसके होने का, उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों एक रेप सर्वाइवर दोबारा अपनी जिंदगी नहीं जीत सकती? क्यों वो दोबारा खुश नहीं हो सकती? क्यों दोबारा उसे वही इज्जत नहीं मिल सकती? आप सब यहाँ मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कईयों ने तो मुझे कितनी कड़वी बातें सुनाई, पर कितने लोगों ने मेरे लिए दुआएं मांगी। पर मैं अकेली नहीं हूं, मेरी तरह ना जाने और कितनी लड़कियां हैं जो अभी तक अंधेरे में अपने आप को छुपाई हुई, ना जीती हैं, ना मरती हैं, ना बोलती हैं, ना सुनती हैं, ना कोई उन्हें देखता है। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे अबीर मिला। उसने मुझे जीना सिखाया, हिम्मत दी, हौसला दिया, इज्जत दी, प्यार दिया। पर सबकी किस्मत मेरी तरह नहीं होती और हर लड़का अबीर की तरह नहीं होता। मेरी गुजारिश है मेरी जैसी हर एक उस लड़की से कि वो अपनी आवाज उठाए और इंसाफ के लिए लड़े, इस कोर्ट से भी और ऑनर आपसे भी, कि उनकी मदद करें, उन्हें हौसला दें, उन्हें हिम्मत दें कि वो अपनी आवाज उठा सके। जब सजा मिलेगी ना तो गुनहगार गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा, और जब इंसाफ होगा तो हर एक लड़की के अंदर हिम्मत आएगी कि वो इंसाफ के लिए अपने लिए अपनी आवाज उठाए। और हिम्मत तो हम सभी को देनी है ताकि हर लड़की अमला बन सके। अमला जो कभी मैली हो ही नहीं सकती। अदालत इवान मलिक, सुवीर मलिक और विराज मेहरा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। सारे गवाहों और सबूतों के बिना पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इवान मलिक, सुवीर मलिक और विराज मेहरा पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सब सच है। ये कोर्ट हिमाचल पुलिस को आदेश देती है कि इंस्पेक्टर नीरू बेदी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। जहां तक अबीर आनंद का सवाल है, उन्होंने अपराधी ना होते हुए भी अमला की लड़ाई में
उसका साथ दिया। अदालत अबीर आनंद के इस जज्बे को सराहते हुए उन्हें बाइज्जत बरी करती है। मंदाकिनी और मेडिकल ऑफिसर ने शुरुआत में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी और इस केस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में इन्होंने सच का साथ दिया, इसलिए इन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही है। रही इन तीनों मुलजिमों की बात, तो इन तीनों ने न सिर्फ एक घिनौना अपराध किया है, बल्कि उसे दबाने और कानून को गुमराह करने के लिए अपनी पहुंच और ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया है। यह अदालत इवान मलिक, सुवीर मलिक और विराज मेहरा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही कोर्ट पुलिस को आदेश देती है ऋषान मलिक और वीरेन अस्थाना पर केस फाइल किया जाए और वीरेन अस्थाना का लॉ प्रैक्टिस का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए। दैट्स ऑल। कुछ नहीं हुआ है, मैं किस लिए बैठा हूं इधर? मैं सब ठीक कर दूंगा। आप ये सब बकवास पे ध्यान मत दो। कोई कुछ नहीं करेगा हमको, कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे? तुम लोगों ने जो किया उसका अंजाम यही होना था। उस एक रात में अमला की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन वो बेचारी कुछ भी करके फिर से खड़ी हुई, फिर से उसने अपनी जिंदगी बनाई। सच्चे मन की थी ना? ऐसे लोग फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हम जैसे एक बार गिरे कभी नहीं उठ सकते। हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है ऋषान मलिक, हम सिर्फ जिंदा लाश हैं, जिंदा लाश। ये अदालत इवान मलिक, सुवीर मलिक और विराज मेहरा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है ऋषान मलिक, हम सिर्फ जिंदा लाश हैं, जिंदा लाश।
बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मेरा एक घर हो, एक राजकुमार हो, एक हमसफर जो सिर्फ मेरा हो, जिसके साथ मैं अपने सपनों का घर बसाऊं और अपने सपनों को जीऊं। छोटे छोटे सपने, ज्यादा बड़ा कभी कुछ मांगा ही नहीं जिंदगी से, बस छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी ख्वाहिशें, मुट्ठी भर में सिमट जाए, बस इतने से ही तो अरमान थे मेरे और उसी में खुश थी मैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी अचानक से आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ दिखता ही नहीं, बस गुप्त अंधेरा। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ है, सब खत्म होता हुआ दिखता है अचानक, जैसे जिंदगी किसी बात का बदला ले रही हो आपसे। लेकिन अगर आप खुद पर, अपनों पर भरोसा रखो तो सब ठीक होने लगता है, सारे सपने पूरे होने लगते हैं, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी से बदला नहीं लेती। कभी कभी इम्तिहान जरूर लेती है, लेकिन फिर एक नए सिरे से दोबारा शुरुआत करने का मौका भी देती है। हमें बस लड़ते रहना पड़ता है। आप लड़ते रहते हो तो हार अपने आप हार मान लेती है। इंसान थक जाता है, मन भी उदास होता है, लेकिन चाहे कितनी ही लंबी शाम क्यों ना हो, ढल ही जाती है, अगले दिन सुबह हो ही जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ, आखिर सुबह हो ही गई। मेरे ख्वाब शुरू हुए थे धर्मशाला से और आज ख्वाबों की नगरी मुंबई में आके पूरे हो रहे हैं। और मेरे इस सफर में मुझे मिला एक ऐसा साथी जिसने मेरे सपनों को अपना बना लिया और मुझे ये सिखा दिया कि जब दो दिल एक ही सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। मैं अमला और ये थी मेरी कहानी।